गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं कृति वढ़ेरा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ और आप हमें देख रहे हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 9 पर। ये जो सेशन है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और एक बहुत खास एक्सपर्ट आज हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं हमें, जो मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके लिए लेकर आती हैं। मैं आप सभी से इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी, मिसेस सविता ग्रैकर। सविता जी कुरुक्षेत्र से हमें ज्वाइन कर रही हैं। वी वेलकम यू फॉर टुडेज सेशन सविता जी। जी कृति जी नमस्कार, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। और आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हम, सविता जी से सीखेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशंस को इजीएस्ट फॉर्म में आपको सीखना है, पढ़ना है। उससे पहले कुछ जानकारियां आपके लिए, जिससे आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर डायल करके हमें बताएं और हम आपके सवाल अपने एक्सपर्ट के साथ साझा करेंगे। नंबर रहेगा 8800440559। इस प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए एनसीईआरटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां भी लाइव चैट बॉक्स में आप अपने कॉमेंट्स और अपने सभी सजेशंस हमें भेज सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे दिए गए फ्लैश होते हुए ईमेल आईडी पर भी अपने सभी सवाल, सजेशंस, जवाब आप हमें भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके भेजे गए सभी सवाल लें और अपने एक्सपर्ट के साथ आज यहाँ चर्चा में उसको लेकर आएं। सविता जी, आप के साथ शुरू करेंगे ये सेशन, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी एंड इज कन्वीनिंग द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नेशन इन 2023, अ नेशन डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलेटरलिज्म। इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वुड बी अ वॉटरशेड मोमेंट इन इट्स हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन building pragmatic global solutions, and while doing this we are manifesting the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world as one family. So let's begin with today's mathematics session. I welcome you again Savita ji. Kya khas hai aaj linear equations mein padhne ke liye hamare sabhi darshakon ke liye? Ji Kriti ji, bilkul jaisa ki aapne bataya ki hamara aaj ka topic hai linear equations. So hamare viewers already apni class 8th class 9th mein pad chuke hain लीनियर इक्वेशंस के बारे में, बट जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, उसी तरह से सबसे पहले उन्होंने क्लास 8 में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस ओनली, एंड और वी कैन से दैट सिंपल इक्वेशन, सिंपल सी इक्वेशंस हमारे बच्चों को दी होती हैं, क्लास 8 का ये टॉपिक रहता है, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। इन क्लास 9th आवर स्टूडेंट्स स्टडी अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी ओनली एंड ओनली वन वेरिएबल इज देयर, एंड देन दे स्टडी अबाउट टू वेरिएबल्स एज वेल। पहले वन वेरिएबल, देन टू वेरिएबल से रिलेटेड जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और अगर हम बात क्लास 10th की करते हैं तो क्लास 10th में एक्स्ट्रा जो चीज ऐड हो जाती है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी एक ही क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन नहीं बल्कि दो इक्वेशंस गिवन होती हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा, लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर इक्वेशंस, व्हाट डू वी मीन बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एज वेल एज इन टू वेरिएबल्स, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। वी ऑल्सो हैव स्टडीड अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। वी हैव स्टडीड दैट इफ ग्राफिकली the presentation of two straight lines gives us two coincident lines, in that case the lines will definitely be having infinitely many solutions and these lines are known as coincident lines. hum baat karte hain ki agar kisi bhi graph par do lines ko represent karne par hame wo lines kuch is tarah se dikhai de that they both are intersecting at one point only, such type of lines are having unique solution and are known as intersecting lines. और अगर दो ऐसी lines हम graph पर draw कर पा रहे हैं जो एक दूसरे के parallel हैं, that means कितना भी increase करने पर, extend करने पर वो lines कभी भी meet नहीं करती, तो meet ना करने का मतलब है they are having no solution. Dear viewers, एक चीज का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर एक ही लाइन की बात करते हैं, सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, तो सिंगल लीनियर इक्वेशन के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो पेयर में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ
कॉमन सॉल्यूशंस की, दैट मींस उन दोनों इक्वेशंस के लिए कॉमन सॉल्यूशंस कितने हैं. सो ओनली 3 केसेस आर पॉसिबल, आइदर नो सॉल्यूशन और ओनली 1 सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेथड्स फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ये टॉपिक हम आज कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग. ओके सो फर्स्ट इज अ क्वेश्चन, व्हाट इट इज वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस गिवन टू अस आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल. वी हैव टू चेक कि जो दो इक्वेशंस हमें गिवन है ये किस तरह की हैं, आर दीज इंटरसेक्टिंग और पैरेलल. इसके लिए हम एक बार फिर से प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर रिकॉल करते हैं. इफ वी हैव दीज टू लीनियर इक्वेशंस इन वन क्वेश्चन, a1x plus b1y plus c1 equals 0 and a2x plus b2y plus c2 equals 0 and we are finding the ratio of a1 and a2, then b1 and b2 and we are able to get these both are different from each other. So definitely हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं that these two equations have unique solution. These two equations are intersecting lines and the third thing is these two equations are consistent. This topic already we have discussed in our previous session. I would like our viewers to view the same session so that ये concept or graphical representation of the equations आपको और अच्छे से clear हो पाए. The second case for the same is अगर a1 upon a2 and b1 upon b2 ये दोनों ratios equal हैं but c1 upon c2 is different from these two. In this case we can simply say that the lines have no solution. क्योंकि हमने बोला है कि c1 upon c2 इन दोनों रेशियोज से डिफरेंट है बट ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है. इन दिस केस द लाइंस विल हैव नो सॉल्यूशन, दीज विल बी पैरेलल लाइंस एंड द थर्ड थिंग इज क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है दैट मीन्स द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है. लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं और सॉल्यूशंस कितने हैं, एक भी नहीं. इफ यू से दैट a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, these all three ratios are equal to each other, in that case there will be infinitely many solutions ke saath saath hum bolenge ki lines kaisi banenge, kyunki infinitely many solutions hai, yani ki each and every point of the first line will also be the solution of each and every point of the second line. That means ये lines कैसी बनेंगी, these will be coincident lines. और इस केस में भी जब भी हमें solution मिलता है whether one solution or infinitely many solution we will say that the system is consistent. Alright, तो इसी topic से related हमारा ये question है and what the question is, it is saying whether the lines represented by the following pair of equations this are intersecting or parallel. हमें देख कर ही बताना है, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना, हमें डायरेक्टली बताना है कि ये दोनों लाइंस जो है ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है. तो कैसे बता पाएंगे, बिफोर दैट लेट अस ट्राई कैलकुलेटिंग द रेशियो a1 upon a2. फॉर दैट लेट अस राइट द फर्स्ट इक्वेशन एज 2x negative 3y negative 8 equals to 0 and the second equation 9x negative 10y negative 14 equals 0. If we try to find the ratio a1 upon a2 from here, we can simply see that the coefficients of x, these are providing us the values of a1 and a2. Therefore, we can say that this ratio is 2 upon 9. Now, what is b1 upon b2? Let us see that carefully and we can simply say that this is negative 3 upon negative 10 or which can be rewritten as positive 3 upon positive 10. And since a1 upon a2 and b1 upon b2 are totally different from each other, तो आपको बताया गया था कि हमें requirement नहीं रहेगी कि हम third ratio, constants का ratio calculate करें. Simply we can say from here that these lines are intersecting lines.
ओके इंटरसेक्टिंग लाइन्स. नाउ लेट अस सी द सेम केस फॉर द सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशंस. सेकंड पेयर में हमें दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है समहाउ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई आर 3/2 एंड 5/3 रिस्पेक्टिवली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू अ सिंपल थिंग. We can go for LCM of these denominators 2 and 3 so that the equation become easy. So it will be 6 and the equation can be written as 9x plus 10y equals 7, or we can also say 9x plus 10y negative 42 equals 0, because 6 is the LCM. So this is clear to our viewers. And then 4x negative 4y negative 9 equals 0. These two are the equations now, and if you will see the coefficients of x for both of the equations and then the coefficients of y, we are able to say that both of these ratios are different from each other. Agar ye dono ratios different hai, that means is case mein bhi lines kaisi ban rahi hai, these are intersecting lines. Alright, so let us proceed ahead. अभी discuss करते हैं methods for solving pair of linear equations in two variables. Methods में सबसे पहला जो method रहता है that is a graphical method. Graphs की help से कैसे हम अपनी equations को solve करें, this we have discussed in session 1. And today we will discuss that how to solve two equations by using algebraic method. So there are three methods further if we talk about algebraic method. The first is substitution method, and the next one is elimination method, next one is cross multiplication method. Since cross multiplication method is not there in the syllabus, or I must say ki NCERT new book se cross multiplication method ko abhi deduct kar diya gaya hai, so this is not in your syllabus. So we will just discuss both of these methods, that is substitution as well as elimination method. Before that, there is a question. For what value of k? Question वही है, topic वही है जो हमने सीखा है about the ratios of the coefficients of x and y and the constant terms. But question को पूछने का method, way of asking it is different. So let us see what the question is. For what value of k? The system of equations. The first equation is x plus 2y equals 5, and the second equation is 3x plus ky plus 15 equals to 0. Dear viewers, you just have to think one thing, what that is. See, if I am writing ax plus by plus c equals 0, this is a linear equation in two variables. At some places you will see that it is written over there ax plus by equals negative c, like this. X plus 2y equals 5. The constant term is written on the right hand side. So you do not have to be worried about that. You just have to take care of one thing. Yahan par bahut smartly question hame diya gaya hai. In the first equation, constant term has been given on the right hand side. But in the second equation, the constant term is there on the left hand side. So basically, aapko manage kya karna hai for both of the equations. जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो एक ही साइड पर होनी चाहिए, विदर ऑन द राइट हैंड साइड और बोथ ऑफ दीज शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो लेट अस रीराइट दीज टू इक्वेशंस एज एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स 5 एंड देन 3x प्लस के वाई इक्वल्स नेगेटिव 15. क्योंकि अगर आप c1 और c2 को राइट साइड पर ले भी आते हैं तो दीज विल बी नेगेटिव c1 एंड नेगेटिव c2, एंड व्हेन यू विल डिडक्ट दीज नेगेटिव साइंस इट इज अगेन c1 अपॉन c2. सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट बी केयरफुल कि फॉर बोथ ऑफ द इक्वेशंस कांस्टेंट टर्म शुड बी ऑन द सेम साइड, आइदर लेफ्ट और राइट. सो वी हैव बीन गिवन कि यूनिक सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस का है. सो सिंपली यू विल से दैट सिंस दीज टू इक्वेशंस हैव unique solution, therefore we can simply say that the ratio a1 and a2 not equals to the ratio of b1 and b2. That means 1/3 is not equals to, from here we can say that the coefficient of x is 1, therefore it is 1/3 is not equals to 2/k, and from here we can say that on cross multiplication, k is not equals to 6.
सो हम क्या कह सकते हैं, दैट दीज टू इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन ओनली इफ k इज नॉट इक्वल्स टू 6. k की कोई भी अगर वैल्यू हो सकती है, k कैन बी 2.5, k कैन बी अंडर रूट 3, k कैन बी 5/7, बट इट कैन नॉट बी 6 टू प्रोवाइड अस अ यूनिक सॉल्यूशन. बिल्कुल इसी तरह से लेट अस डिस्कस द सेकंड पार्ट फ्रॉम हियर, दैट इफ दीज टू इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन देन व्हाट कैन वी से. सो नो सॉल्यूशन के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था. इन दैट केस द रेशियो a1/a2, b1/b2, बोथ ऑफ दीज विल बी इक्वल्स बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2. अगर ऐसा है सो इट विल बी 1/3 इज इक्वल टू 2/k बट नॉट इक्वल्स टू 5/15. एम आई राइट? अनडाउटेडली नो, बिकॉज इट विल बी 5/-15. सो बी केयरफुल अबाउट द सेम. दस यू डू हैव 1/3 इक्वल्स 2/k एंड द सेकेंड पेयर फ्रॉम हियर इज 2/k नॉट इक्वल्स टू 5/-15 और यू कैन ऑल्सो से -1/3. इन दोनों ही वैल्यूज को सॉल्व करने पर हमारे पास आ रहा है आइदर k इज इक्वल टू 6 और k इज नॉट इक्वल्स टू -6. सो बेसिकली नो सॉल्यूशन के लिए पूछा गया था. तो अगर हम रिकॉल करते हैं कि c1/c2 के इक्वल हो जाने पर, यस, अगर c1/c2 भी इक्वल हो जाता तो उस केस में कितने सॉल्यूशंस होते? डेफिनेटली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. यू विल हैव टू टेल दैट k इज इक्वल टू 6 एंड कैन नेवर बी -6. नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. इट इज अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग सिस्टम, बट दिस टाइम इट हैज बीन गिवन दैट दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. Infinitely many solutions, that simply mean that all these three ratios are equal to each other. a1/a2 equals b1/b2 equals c1/c2. So we do have 4/k, the coefficients of x is equal to 5/10, and we can see that the constant terms are zero from here. So from these two only we can calculate the value of k. And we do have 5k equals 40, and due to which k is equal to 8. Alright, let us see one more thing. He is asking that for what value of k the system, these two equations have infinitely many solutions. अब जरा हम values calculate करते हैं कि k की value अगर हम 8 put कर देते हैं तो क्या ये तीनों values equal आ रही हैं? So we do have 4/k, that means 8, which we just have calculated, equals 5/10, equals c1 is 0 and c2 is 0. So we can see k ki koi bhi value aap kyun na nikaale, whether it is 8. For that, a1/a2 and b1/b2 to equal ho rahe hain, but c1/c2 in dono ke equal nahi hai. That means we will simply say that this pair will not have any value of k for which it gives us infinitely many solutions. Alright, so sometimes ऐसा भी possible है कि हम k की ऐसे single value भी नहीं निकाल पा रहे जो given condition को follow कर पाए. Now the next question is again, find the value of k for which the following equations have no solution. Alright, no solution, that means a1/a2 equals b1/b2 but not equals to c1/c2. So you will try solving the same question and you will share the answer of the same with us. Right now let us proceed towards the method, substitution method. This is substitution method. Steps are clearly written here. Let us discuss. सबसे पहले हमें दो equations given हैं. These two equations are a1x plus b1y plus c1 equals 0 and a2x plus b2y plus c2 equals 0. So since it is substitution method, at the very first step, what our duty is, from one of the two equations, from any equation, whether it is the first one or second one, we will
find the value of one variable in terms of the other variable, as it has been mentioned in step 2 here. Then choose one of the two equations. First choose one equation and then express y in terms of x. That means express one of the variable in terms of the other variable. You can change y in terms of x, or you can find the value of y in terms of x, or you can also find x in terms of y. It depends upon the question. जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालना हमारे लिए ज्यादा इजी है, यू विल कंसिडर दैट वेरिएबल. ओके, लेट अस डिस्कस इट अप टू हियर इन दिस क्वेश्चन. सो द टू इक्वेशन, लेट अस से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकेंड. सो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल. वी कैन सिंपली से फ्रॉम हियर दैट x इक्वल्स 5 माइनस 2y. ऑलराइट, हमने क्या किया, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, एंड वी विल कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर थर्ड. बी केयरफुल दैट इफ यू हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, देन वी नीड टू पुट द सेम वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन. ध्यान रखना है कि जिस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू को y के टर्म्स में लिखा है, उसी इक्वेशन में वापस ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे. इफ यू विल डू दैट, देन यू विल फाइंड दैट द इक्वेशन हैज बीन सेटिस्फाइड. आप ना x निकाल पाएंगे ना y निकाल पाएंगे. यू विल सिंपली सी दैट x एंड y विल बी कैंसल, विल बी एलिमिनेटेड, और आपके पास लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स इक्वल हो जाएंगे. सो इट इज बेटर दैट थर्ड इक्वेशन वी नीड टू पुट इन इक्वेशन नंबर 2. So what it is, 3 into, this is x, let us highlight it, this is x, so in place of x we will put 5 minus 2y. And what we are getting from here, 3 into 5 minus 2y plus 12y equals 10, so we are able to obtain 15 minus 6y plus 12y equals 10, and simply we can say that 6y equals negative 5, due to which y equals negative 5 upon 6. Alright, since we have to find the solution, to give y ki value I have, we need to find x as well. So we will put this value. See, अगर आप y की ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन किसी पे भी पुट करते हैं तो आपके पास x की सेम वैल्यू ही मिलेगी. लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड. सो वी डू हैव x इक्वल्स 5 माइनस 2 इंटू नेगेटिव 5 अपॉन 6. इन प्लेस ऑफ y आपने y की वैल्यू पुट कर दी. सो इट इज 5 प्लस 10 अपॉन 6, और फ्रॉम हियर 6 कैन बी कंसिडर्ड टू बी LCM, एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ x इज 20 अपॉन 3. डियर व्यूअर्स, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, तो x एंड y की जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं, वी विल पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, एंड यू विल बी एबल टू सी दैट येस वी आर करेक्ट. सो वी विल प्रोसीड विद द सेम टॉपिक इन आर नेक्स्ट सेशन. राइट नाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड शेयर विद अस. थैंक यू. ओके, सो लीनियर इक्वेशंस, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट ये वो इजीएस्ट फॉर्म्स हैं जो आज हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताई हैं, जो आपको सीख कर प्रैक्टिस करनी है. और कोई भी क्वेश्चंस आकर आपके होंगे, कोई भी आपकी जिज्ञासा होगी, वो आपको हमें भेजनी है, हम ज़रूर अपने एक्सपर्ट के साथ वो शेयर करेंगे. और यहाँ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि NCERT की बुक्स अवेल अगर आप करना चाहते हैं, 2023 and 2024 सेशन जो है वो ऑन है अकेडमिक ईयर. आप NCERT की किताबें लेना चाहें तो NCERT का न्यू दिल्ली का पब्लिकेशन डिवीजन डिपार्टमेंट जो है, वहाँ आप ये बुक्स अवेल कर सकते हैं. और NCERT की सभी किताबें कंट्री वाइड आपके लिए अवेलेबल हैं. अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी में भी आप ये सभी पब्लिकेशंस पर किताबें अवेल कर सकते हैं. और ये बुक्स अवेल करने के लिए आप हर दिन, इवन ऑन द गजटेड हॉलीडेज, सैटरडे संडेज ऑल्सो इट इज़ ओपन फ्रॉम 9:30 AM टू 6 PM. एंड इफ़ यू विश टू ऑर्डर दिम ऑनलाइन, प्लीज़ गो इन टू NCERT's वेबसाइट, विच इज़ NCERTbooks.com
ncrt.gov.in, and there also you can order these books, which will reach to you on your doorstep without any delivery charge. And if you wish to read the PDF version of these books, then you may log into the mobile app of NCRT Deeksha and ePathshala, and on the website also the e-version, the e-PDF version of these books is available. So these are the various mediums where you can order the books, you can purchase, avail the books, and you can have the PDF of the books as well. और सविता जी, आज ज्वाइन करने के लिए और हमेशा जैसे मैं कहती हूँ, मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ईजिएस्ट फॉर्म्स में हमारे सभी स्टूडेंट्स व्यूअर्स के लिए देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. जी, थैंक यू कृति जी. और ये था मैथमेटिक्स का सेशन, पर आप कहीं ना जाएं, बने रहें सीआरटी एनसीआरटी के रिसोर्स मटेरियल के साथ पीएम ई विद्या पर. अभी के लिए आपसे विदा चाहती हूँ. नमस्कार.